हेलो गाइस क्या हाल चाल हैं अभी तक हम लोग अपनी दो लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं आज हम तीसरी लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पहली लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने ये देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स क्या होंगे और उसके बाद हम लोगों ने लोकस के बारे में भी पढ़ लिया और ये सारी चीज़ें हम लोगों को किस तरफ लेके जा रही थी कि हमको स्ट्रेट लाइन सर्कल्स और इन सब में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आज हम लोग वही चीज़ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन अपनी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन से ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे आके स्टार्ट करते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ये अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है और इन दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन सेगमेंट बन रही है तो इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे सो इट इज सम टेल आई नो देशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई कैनॉट से दैट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि मेरे लिए तो ये कर्व है कोई भी कोई भी मैंने एक लाइन बनाई है या, या कुछ मैंने ऐसा बनाया ऐसा कुछ बनाया है ये 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 सब चीजें क्या हैं ये सब हम बोलते हैं ये सब क्या है ये सब कर्व होते हैं अब डिफरेंस क्या है फिर कर्व में और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है तो मैं बोलता हूँ कि मैंने क्या किया इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया ये और अब मैं बोलता हूँ कि अगर इस पॉइंट के साथ में मैं इस कोई दो और पॉइंट को जोड़ देता हूं और ये सारे पॉइंट्स मिलकर अगर इसी लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं इस वाली ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं तो मैं इस कर्व को बोलूंगा दैट इट इज दिस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन दिस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन सो दिस इज ऑल फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमको डेफिनेशन पता लग गई स्ट्रेट लाइन क्या है तो हम एक नया नाम सीखते हैं आज जिसको हम बोलते हैं स्लोप स्लोप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट तो व्हाट इज स्लोप और ग्रेडियंट इन अ स्ट्रेट लाइन तो अब मैं क्या करता हूँ एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो so, सपोज मेरे पास में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हमारा जो है वाई एक्सेस है ये हमारी जो है ये एक्स एक्सेस है तो इसमें अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में कोई भी एक लाइन है जो ऐसे ऐसे एक लाइन बनी हुई है तो जो ये वाली लाइन है जो मैंने बनाई है इस ये वाली लाइन को हम डिनोट करते हैं P Q पॉइंट से तो ये जो लाइन इसके साथ में एंगल बना रही है थीटा है तो स्लोप की डेफिनेशन होती है जो टेंजेंट ऑफ एंगल विच इज मेड बाय दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्लोप तो मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि टेंजेंट ऑफ एंगल विच इज मेड बाय द लाइन टेंजेंट ऑफ द एंगल टेंजेंट ऑफ टेन थीटा ऑफ पी क्यू मेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस

तो एक नोट लिख लेते हैं तो अगर मेरे को ये डेफिनेशन पता लग गई इसकी तो और मैं बोलूं कि अब अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट फ्रेम पर अगर जो लाइन है वो ऐसे बनी है कोई लाइन ऐसे बनी है यही हमारा वाई एक्स ये हमारी वाई एक्सेस थी ये हमारी एक्स एक्स एस थी अब ये जो लाइन है ये पी क्यू जो है ये ऐसे बनी है तो अब यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा इसका जो टेंजेंट होगा एम इज़ इक्वल टू टेन ऑफ थी था डेट विल बी दी स्लोप ऑफ दिसन का जो टेंजेंट ऑफ एंगल होगा वो इसका स्लोप हो जाएगा तो यहां पर स्लोप टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज द स्लोप ठीक है तो याद इतना रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है भाई स्टार्ट मुझे हमेशा कहां से करना है यहां से स्टार्ट करना है और मूव कैसा करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी इज डायरेक्शन में मूव करना है ये दो चीजें हो गई तो अब मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास में एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ऐसा है और एक लाइन है जो ऐसी है दिस इज माय न्यू लाइन पी क्यू वॉट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन बिकॉज द नोट हेयर इज नोट इफ योर एक्स एक्सेस लाइन इज पार्ल टू द लाइन PQ. क्यू इन दैट केस द स्लोक ऑफ लाइन वुड बी क्या होना चाहिए स्लोप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्लोप की डेफिनेशन बोलती है कि एम जो होता है वो होता है टेन ऑफ द एंगल थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड एक्स एक्सिस थीटा क्या था लाइन सेगमेंट पी क्यू और एक्स एक्सिस के बीच में तो मैं जाता हूं और देखता हूं इन दोनों के बीच में क्या एंगल है भाई तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरल है इसका मतलब थीटा हैज टू बी जीरो है तो थीटा जीरो है तो इसका मतलब टेन ऑफ जीरो डिग्री इसका मतलब जो स्लोप हो गया यहाँ पर वो क्या आ गया स्लोप हो गया यहाँ पे जीरो डिग्री ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं अब अब दूसरा पॉइंट देखते हैं वही क्या होगा अगर मैं यही बोलता हूं नोट टू अगर वाई एक्सिस के पैरल हो जाए लाइन पैरल टू पी क्यू जैसे यहाँ पर अब आपका पी क्यू ये हो गया ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर थीटा जो हो गया वो क्या हो गया 90 डिग्री टू दिस ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री पाई बाई टू तो वॉट इज टेन ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा इज टेन ऑफ पाई बाई टू विच इज़ वन बाय ज़ीरो विच इज़ इंफिनिटी तो स्लोप हेयर इज इनफाइनाइट तो ये नोट टू हो गया अब और नीचे आते हैं तो अब देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम नोट थ्री भी लिख सकते हैं क्या हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल तो नोट थ्री में ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन हो मेरे पास में जब जो लाइन हो वो इक्वल एंगल बना रही हो मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री टू एक्स एक्सेस एन वाई एक्सेस अगर 45 फाइव यहां से है, तो 45 फाइव यहां से भी होना चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू टेन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री मतलब वेन द एक्सिस ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस एक्स एंड वाई एक्सेस एक्स एंड वाई इन दैट इन दैट केस एम एम इज इक्वल टू वन वेन एंगल इज फोर्टी फाइव डिग्री एंड वेन एंगल इज वन थर्टी फाइव डिग्री एंड इट इज द स्लो वुड बी माइनस ऑफ वन ठीक है तो अब और देखते हैं नीचे Uh, अब हम एक काम करते हैं डिराइव uh, करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं और स्लोप को डिराइव करते हैं कि स्लोप क्या होगा ठीक है तो ये हमारी y एक्सेस है ये हमारी x एक्सेस है और एक जनरलाइज लाइन लेते हैं हम लोग यहां से ये ये हमारी लाइन है PQ दिस इज़ योर पॉइंट P एंड दिस इज योर पॉइंट Q दिस इज एंगल थीटा सपोज दिस पॉइंट इज सम पॉइंइंट हुआनेट्स आर एक्स वन कॉमा वाई वन एंड दिस इज समेट आर एक्स टू कॉमा वाई टू तो मुझे बहुत आसानी से ये चीजें पता लग रही हैं कि अगर इनके कॉर्डिनेट्स जो हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू हो गए हैं तो यह क्या होंगे ये भी एंगल थीटा हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये इतना पार्ट ये पार्ट अभी हम लोगों ने बेसिक सारे पढ़ लिए अच्छे तरह से तो मैं थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूँ ये वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा और ये वाला पार्ट हम लोगों ने देख ही लिया है कि ये एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा क्योंकि इसका ओरिजिन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स टू है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x1 है तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो x2 टू माइनस एक्स है तो मुझे अब tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, y2 टू माइनस और बेस क्या है x2 टू माइनस और मुझे पता है कि स्लोप जो होता था वो किससे रिप्रेजेंट करते थे m से m इज इक्वल टू टेन थीटा इज एकवल टू वाई टू माइनस वाई वन upon x 2 minus x 1 so this is how you can derive the slope of straight line तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्लोप की डेफिनेशन स्लोप की डेफिनेशन देखी स्लोप के लिए कुछ पॉइंट्स देखे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स देखे स्लोप की डेरिवेशन करी और स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स पढ़ेंगे इनकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और नए टॉपिक्स भी देखेंगे प्लीज़ लाइक करिए इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो थैंक यू